अब आते हैं उस खबर पर जिसकी तस्वीरें आपके पास में मोबाइल पर जरूर पहुंची होंगी। खबर दिल्ली से, जहां एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, स्टूडेंट को तार के सहारे तीसरी मंजिल से नीचे उतरना पड़ा। देखिए जरा, कंधे पर बैग और जान बचाने के लिए तार के सहारे तीसरी मंजिल से उतरते बच्चे और इन बच्चों का वीडियो बनाते लोग। ये तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की संस्कृति कोचिंग सेंटर की हैं, जहां गुरुवार दोपहर 12 बजे आग लग गई। इससे वहां मौजूद स्टूडेंट्स में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए छात्र बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से तार के सहारे नीचे उतरते दिखे। कुछ ने खिड़कियों और बालकनी से कूदकर जान बचाई। ये देखिए, 12:27 पर करीब हमें कॉल मिली थी कि एक बिल्डिंग में आ गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें कोचिंग सेंटर था और कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। हमने टोटल 11 गाड़ी मोबिलाइज की थी, जिसमें कि ब्रांटो जो स्काई लिफ्ट होता है ऊपर जो हाइट के लिए यूज़ किया था, उसको भी दो वो भी भेजे थे, क्योंकि बच्चों का मामला था। आग पर पूरा काबू पा लिया गया। आग बहुत छोटी थी, बिजली मीटर में एक आग लगी थी, उसकी वजह से धुआं ज़्यादा था। यह हादसा बत्रा सिनेमा के पास ज्ञाना बिल्डिंग में हुआ। इसमें 4 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। यह आग एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगना बताया गया। सोशल मीडिया पर हादसे के वीडियो वायरल हैं। मुखर्जी नगर इलाके में स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ सिविल सेवाओं की तैयारी भी करते हैं। जिस सेंटर में आग लगी, वहां 200 से ज्यादा स्टूडेंट मौजूद थे। साथ ही वहां फायर एग्जिट नहीं था और इस वजह से स्टूडेंट को खिड़की से कूदकर जान बचानी पड़ी। ये तस्वीरें दिल्ली के हैं और आप तक और पूरे देश तक पहुंची हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी हैं कि आपके हमारे बच्चे जिन कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, उनमें हम पढ़ाई के स्तर को देखते हैं, लेकिन क्या वहां आग से बचाव के उपाय हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कभी भले छोटी घटना हो, बच्चों की जान पर बनाए, ऐसे हादसे गंभीर और बड़े हो सकते हैं। इसके एक नहीं कई उदाहरण न केवल दिल्ली में बल्कि देश भर में।